एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आइए जानते हैं आज की खास खबरें। टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अक्सर सोशल मीडिया पर खूबसूरत और हॉट तस्वीरों के लिए जानी जाती हैं। 18 साल की पलक फोटोज इंस्टाग्राम पर लोगों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। उनकी इस फोटो में उन्होंने ट्यूब टॉप और जीन्स पहने हुए है। आपको कैसा लगा उनका ये अंदाज, कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि पलक तिवारी जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली हैं। यही नहीं, दर्शन सफारी के साथ उनकी एक फिल्म भी आने वाली थी, लेकिन पढ़ाई के चलते उन्होंने ऐन मौके पर फिल्म करने से मना कर दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस शो में दिशा वकानी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अफसोस अब ऐसा नहीं होने वाला है। शो में अब दिशा वकानी की जगह सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं फेम विभूति शर्मा लेती हुई नजर आ सकती हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि मेकर्स ने दयाबेन के रोल के लिए विभूति शर्मा को अप्रोच किया है। दरअसल सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि एक्ट्रेस विभूति शर्मा ने दयाबेन के किरदार के लिए मॉक टेस्ट भी दे दिया है। वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि दयाबेन की भूमिका के लिए ऑडिशन अभी भी चल रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी अभी तय नहीं हुआ है। टीवी की दुनिया में जिस सीरियल ने आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं, उनमें से एक है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। 3 जुलाई 2000 को ये सीरियल ऑन एयर हुआ था। इस सीरियल में लीड रोल के तौर पर एक्ट्रेस स्मृति ईरानी नजर आई थी, जिन्होंने तुलसी का कैरेक्टर प्ले किया था। इस सीरियल ने 3 जुलाई को अपने 19 साल पूरे कर लिए हैं और इसकी खुशी में सीरियल के प्रोड्यूसर एकता कपूर ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। साथ ही स्मृति ईरानी को इस खूबसूरत जर्नी का हिस्सा बनने को लेकर शुक्रिया भी कहा है। एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी दहिया ने हाल में ही इस बात की जानकारी दी थी कि वो विवेक दहिया के साथ नच बलिए 9 के प्री लॉन्च को होस्ट करती नजर आएंगी। हालांकि मकाऊ से लौटते ही एक्टर विवेक दहिया को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। इसके चलते अब विवेक नच बलिए 9 के प्री लॉन्च एपिसोड की शूटिंग नहीं कर पाएंगे। जब इस बारे में दिव्यांका त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने बताया, जी हाँ, विवेक की तबीयत बेहद ही खराब है। मैं शूटिंग और अस्पताल के बीच इस वक्त चक्कर काट रही हूँ और सौभाग्य से मेरा परिवार भी जल्द ही शहर आने वाला है। विवेक अभी फिलहाल स्वस्थ हैं और उन्हें कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा गया है। यहाँ तक कि उन्हें छुट्टी भी दी जा रही है। दिव्यांका ने बताया कि विवेक और उन्होंने छुट्टी पर जाने से पहले अपनी परफॉर्मेंस के लिए शूटिंग कर ली है। दिव्यांका का कहना है, हमें अपने परफॉर्मेंस के लिए शूटिंग की है, लेकिन विवेक के लिए एंकरिंग करना मुश्किल है। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि मैं इसमें शामिल हो पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि उनके साथ मैं अभी बिजी हूँ। करीना कपूर ने टीवी पर डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस से धमाकेदार डेब्यू किया था, लेकिन इस शो में एक के बाद एक कई सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले इस शो के होस्ट धीरज धूपर ने ये शो छोड़ दिया। वहीं अब जज करीना कपूर खान के लिए इस शो को वक्त देना मुश्किल हो रहा है। इन दिनों करीना कपूर खान लंदन में इरफान खान संग आ रही फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग करने में बिजी हैं। इस फिल्म में करीना कपूर खान एक पुलिस अफसर की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। हाल में ही करीना कपूर खान ने फिल्म की शूटिंग के बीच से समय निकालकर कुछ एपिसोड्स शूट किए। हालांकि बार बार करीना को छुट्टी नहीं मिल रही है, जिसके चलते उनकी जगह करिश्मा कपूर ने इस शो के लिए शूट किया है। तो ये थी आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हिंदी राशि।